बृहस्पत सिंह ने आदिवासियों का अंगूठा छाप बताने पर मांगी माफी। समाज ने गलती नहीं दोहराने की नसीहत भी दी। सरगुजा के आदिवासियों का अंगूठा छाप बताकर विवादों से घिरे रामानुजगंज के विधायक बृहस्पत सिंह ने आखिरकार सर्व आदिवासी समाज से माफी मांग ली है। विधायक के माफीनामा को सर्व आदिवासी समाज ने स्वीकार कर लिया है और आगे से उन्हें ऐसी गलती न दोहराने की नसीहत दी है। सर्व आदिवासी समाज संभाग अध्यक्ष अनूप टोपो ने बताया कि विधायक बृहस्पत सिंह ने वर्चुअल तरीके से सर्व आदिवासी समाज के संभाग के तमाम जिला अध्यक्षों से जुड़कर अपनी बात रखी। लगभग 5 घंटे तक हुई बैठक में विधायक बृहस्पत सिंह ने आदिवासियों पर की गई टिप्पणी पर कहा कि उनकी मंशा किसी को आहत पहुंचाने की नहीं थी। अनूप टोपो ने बताया कि बैठक में आदिवासियों पर की गई टिप्पणी के अलावा कई अन्य बातें भी सामने आई। आखिरकार सर्व आदिवासी समाज ने विधायक के माफीनामा को स्वीकार करते हुए दोबारा इस तरह की गलती नहीं करने की नसीहत दी है। मेरा नाम अनूप टोपो है, मैं संभाग का सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हूँ, साथ में मेरे साथ में अपने जिले के अध्यक्ष भी हैं। अनूप जी, पिछले दिनों विधायक जी ने कुछ आदिवासियों को लेकर बोला था, क्या बोला था और अब क्या उन्होंने माफ़ी मांगा है उसको बता देंगे पूरी बातें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या चर्चा के दौरान उन्होंने आदिवासी को, सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया था उसको लेकर के पूरे समाज में, पूरे प्रदेश स्तर पर पूरी हमारी समाज पूरी तरह आक्रोशित हुई थी और उसको लेकर के हम ही इस पूरे संभाग के सभी जिलाध्यक्ष के साथ में एक आकस्मिक बैठक हम लोग रखे थे दूसरे दिन। और उसमें हमने बैठक करने के बाद में हमने दूसरे बैठक में हमने विधायक को तलब भी किया था और उन्होंने अपनी बातों को रखा भी और समाज के सामने माफ़ी भी मांगा और जो भी समाज के द्वारा जो भी दंड विधान जो प्रावधान है सजा के लिए उसको भी स्वीकार किया उन्होंने। तो इसको लेकर के हमने फिर एक बैठक रखी अपने विधायक के अलावा, हमने पूरे जिलाध्यक्षों के साथ फिर बैठक रखी। उसमें कुछ हमारे जिलाध्यक्ष पक्ष में भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे। मान मनोवल होने के बाद में 10:30 बजे रात में फिर एक वर्चुअल बैठक हुई, उसमें सभी जिलाध्यक्ष एक राय हो करके उसे माफ़ी किए और उनसे लिखित में भी लिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए।